अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से अपने फ्राइडे की रूटीन शेयर करूंगी। मम्मी और भाई आए हुए हैं ना, सो इन्हें आज हम ले जाने वाले हैं सुल्तान अल खाबूस मस्जिद में नमाज अदा करवाने के लिए। मस्कत की ना बहुत प्यारी और बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ पे सुल्तान खाबूस, जो कि ना यहाँ के जो पहले सुल्तान थे ना उनके नाम पे बनी हुई है, उनके नाम पे इनका नाम रखा हुआ है। सो वहां आज हम जाएंगे नमाज अदा करने के लिए। और ये इतनी बड़ी और इतनी प्यारी मस्जिद है ना कि यहाँ पे ना टूरिस्ट भी आते हैं जिस टाइम पे नमाज नहीं होती, तो भाई वहां पे जाकर फोटोग्राफी भी करने वाले हैं। तो अभी सुबह में उठ के बस मैंने बेड वगैरह क्लीन किया है, बच्चे ना अभी तक सो रहे थे, सब उठ गए थे बट फ्राइडे था तो बच्चे सो रहे थे। अभी मैंने बेड क्लीन किया है और चाय वगैरह पी के हम लोग बैठे थे। और अब ना ब्रेकफास्ट के साथ में मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में आज सिंपल पोहे बनाऊंगी। भाई और मम्मी आए हैं ना, तब से हम चिकन मटन और फिश खा के इतने बोर हो गए ना, तो भाई मुझसे कहने लगे कि अगर कुछ इनसे हटके बना सकती हो ना तो प्लीज बनाओ। तो आज मैं बस सिंपल पोहा बना रही हूँ और इसमें ना मैं आलू भी ऐड करूंगी। अच्छा, तो पोहे के लिए ना सबसे पहले मैंने राई, जीरा, कड़ी लीव्स और शेंगदाना डाल के ना 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। ऐसे अगर पहले शेंगदाना डाल के फ्राई कर लो ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पोहे में। सो वो फ्राई कर लिया और इसके बाद मैंने हरी मिर्च, प्याज और आलू मैंने इसके अंदर डाले थे। और आलू के ना बहुत छोटे छोटे क्यूब्स मैंने किए हैं ताकि ये जब 1-2 मिनट के लिए इसे ढक दूंगी ना तो ये अच्छे से पक जाएगी। हर बार ही ना पहले मैं पोहा धो लेती हूँ और बाकी के जो काम होते हैं ना, जैसे चॉपिंग करना और इसको तड़का वगैरह लगाना, वो काम मैं बाद में करती हूँ। पर आज ना मैंने सब चीज़ें पहले ही कर ली थी और ये पोहा अब मैं धो रही हूँ। तो अगर पहले ही अगर धो लो ना पोहा और इसको थोड़ा ड्राई होने दो तो इसका ना पोहा मज़े का बनता है, वरना अगर एट अ टाइम आप धो के डालोगे ना तो फिर सारा जो पोहा है वो टूट जाता है। तो इसे धोने के बाद में मैंने थोड़ी देर वेट किया और इसके बाद में हल्दी, नमक और धनिया इसके ऊपर कट करके डालूंगी। अच्छा, मम्मी को ना धनिया बहुत पसंद है तो इसके अंदर ना भर भर के धनिया मैंने डाला है। और इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से मिक्स करें ना तो पोहा टूट जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता फिर लुक वाइज। तो मैं ना पहले ही सारी चीज़ें डाल देती हूँ ताकि पकते हुए इसे ज़्यादा हिलाना ना पड़े। और अब जो आलू थे ना वो भी 80% तक गल गए थे, तो मैंने जो सारा पोहा मिक्स करके रखा था ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे ढक के छोड़ दूंगी, तो ये ना फिर पक जाएगा। फ्राइडे के दिन ना साथ के पापा जाते हैं अपना क्रिकेट मैच खेलने के लिए, इनके फ्रेंड्स का, और इनका ना पूरा एक ग्रुप है जो कि क्रिकेट खेलते हैं। और अभी ना ये आ गए हैं तो इन्हें और भाई को मैं दे दूंगी चाय। और ये है मेरे हस्बैंड की जर्सी 4 नंबर और SAMIR ये इनका नाम है। आने के बाद में ना ये सारी डिटेल मुझे सुनाते हैं क्रिकेट मैच की, कि इन्होंने क्या किया है, कितने रन बनाए हैं, कितने छक्के और चौके इन्होंने लगाए और कौन मैन ऑफ द मैच है। सो आज ये जो सारी डिटेल है ना ये आज मम्मी को सुना रहे हैं। और पूरा वीक भी ना इनका काम जो है वो लैपटॉप पे बैठने का है, तो पूरा दिन बैठ के ना इंसान थोड़ा लेजी सा हो जाता है। तो हफ्ते में एक आध दिन ऐसे फिजिकल एक्टिविटी होना तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस ये लोग बैठे हैं, तब तक मैं जो पोहा है वो रेडी हो गया है, इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और इसको मैं गार्निशिंग कर रही हूँ सेव और हरे धनिए से। और बस अभी हम सब ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था और बर्तन वगैरह धो के रख दिए, क्योंकि नमाज से वापस आने के बाद में ना मैंने लंच की तैयारी भी करनी है, और अगर किचन फैला हुआ हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है काम करते हुए। तो वो क्लीन कर दिया, भाई और मम्मी रेडी होंगे, तब तक के लिए ना मैं अपने कुछ दूसरे काम निपटा लूंगी। अच्छा, कल ना मैंने एक बहुत मजे का DIY देखा था तो वो आज मैंने बनाया है। और ये वाले जो पत्थर है ना ये हम बीच पे से कलेक्ट करके लाए हैं। मुझे ना ऐसी चीजें बड़ा अच्छा लगता है जमा करना, जैसे बहुत ब्यूटीफुल वाले पत्थर और सीप वगैरह।
तो वो DIY ना आज मैंने बनाया है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स पे ना मैंने लगाया हुआ है एक वॉलपेपर, और इसको ना मैं इस तरह से स्टोन डाल के इसे मैं जो मेरा टीवी टेबल है ना उसके साइड पे रखूंगी। तो ये इसका लुक ना बहुत मजे का आ रहा है। अच्छा, जो बड़े बड़े पत्थर थे ना वो बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हो रहे थे, बट ये जो छोटे पत्थर मैंने जमा किए थे ना ये बहुत अच्छे से सेट हो गए थे, और ये इतना प्यारा लग रहा था ना, ये आर्टिफिशियल ट्री बहुत मजे का लग रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसे बदल दूंगी, बट मेरी फ्रेंड्स आई ना तो उन्होंने एक दो बार मुझसे पूछा कि ये आपने कहाँ से खरीदा है, तो तब मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, बहुत मजे का, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैंने इसे खरीदा नहीं है, मैंने इसको DIY किया हुआ है। कार्डबोर्ड बॉक्स पे ना मैंने जो वॉलपेपर होता है ना वो लगा के उसके अंदर स्टोन डाल दिए हैं, तो ये बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो एक मैंने टीवी टेबल के साइड पे रखा है और एक डाइनिंग टेबल के साइड पे रख देती हूँ। और जो ये लीव्स है ना इन्हें मैं कुछ इस तरह से सेट कर दूंगी, और इनके ऊपर बस हल्की हल्की सी जो कभी कभी ना इसके ऊपर डस्ट बैठ जाती है, तो महीने में या फिर 2-3 महीने में ना एक आध बार इनको मैं साफ कर देती हूँ। Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her. अच्छा जी, अभी ना हम मस्जिद पहुंच गए हैं, और हमारा ये था ना कि हम जल्दी जल्दी ही जाएंगे, जैसे 10-10:30 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। और भाई ना अपना कैमरा साथ लाए हुए, भाई को फोटो शूट का ना बड़ा शौक है, और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है ना अंदर से बाहर से दोनों ही तरफ से, तो उन्होंने कुछ फोटो शूट करने थे, बट हमने तैयारी करते हुए इतनी देर लगा दी ना, और मैविश भी लास्ट मोमेंट पे ऐसे टाइम पे काम बढ़ा देती है ना, तो उसको तैयार करते हुए हमें काफी टाइम हो गया। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे ना तो महविश तो सो गई थी और नमाज भी ना शुरू ही हो गई थी, अजान हो गई थी। सो बस पहुंचने के बाद में ना तुरंत ही हमें नमाज के लिए खड़े हो जाना पड़ा, नमाज हमने अदा कर ली, और उस टाइम पे ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस नमाज हमारी जैसे ही खत्म हुई है ना तो मैं भी छूट गई है। और इसका ऐसा है ना कि बस इसने किसी के पास नहीं जाना है, इसने बस मेरे ही पास आना है। तो यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी ना लोग इस तरह से पठानी और ये जो एक ओमानी चब्बा होता है इस तरह पहना के लाते, इतने प्यारे लगते हैं ना यहाँ पे बच्चे आए हुए नमाज के कपड़ों में, बहुत प्यारे लगते हैं। तो साद और साद के सॉरी साद के पापा और साद नमाज के लिए गए हुए थे ना, वो आ रहे थे, तब तक हम वेट कर रहे थे, मैंने कुछ क्लिप्स निकाले थे, और ये नमाज पढ़ के ना अभी आ गए हैं। अच्छा, जो मस्जिद है ना इसके अंदर 10 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, आपको बाहर नमाज पढ़नी पड़ती है। तो हमने मम्मी ने और मैंने ना बाहर ही नमाज पढ़ी थी, तो साद के पापा ना यहाँ मुझे कह रहे थे कि तुमने मम्मी को अंदर नहीं लेके गए हो ना, सो महविश को मैं संभालता हूँ, तुम मम्मी को ना अंदर लेके जाके अंदर का भी दिखा लाओ। तो अभी उन्होंने ना किसी तरह से महविश को अपने पास लिया, और अब मैं मम्मी को अंदर लेके जाऊंगी। और जो मस्जिद का अंदर का एरिया है ना वो भी इतना प्यारा और इतना खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज एक साथ ही नमाज पढ़ सकती है, और यहाँ पे ना 5 डोर्स बने हुए हैं, और इनके नीचे यहाँ पे कॉर्नर में ना कुरान शरीफ रखे हुए हैं, मतलब आप नमाज पढ़ने के बाद में ना यहाँ पे कुरान की तिलावत भी कर सकते हो। एक चेयर लगी हुई है, अगर कोई नीचे बैठ के नहीं नमाज पढ़ सकता है ना तो वो यहाँ पे ऊपर बैठ के भी नमाज पढ़ सकता है। तो ये अंदर का लुक ना बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मैंने मम्मी के साथ में कुछ फोटोज क्लिक किए थे और कुछ वीडियोस बना ली, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जब इन फोटोज और वीडियोस को देखूंगी ना तो मुझे याद रहेगा कि मम्मी हमारे पास आए थे, तो हमने इस तरह की चीजें एंजॉय की थी। तो बस ये हो गया था हमारे यहाँ का, अभी हम लोग बाहर जाएंगे। हम ना यहाँ पे काफी देर रुके रहे क्योंकि भाई ने ना कुछ फोटो शूट करने थे, और महवेश को उठने के बाद तो ऐसे भूख लग जाती है ना, उसके लिए मैं केक लेके आई थी, वो अभी केक खा रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको कहीं भी फीडिंग नहीं करवा सकती थी। Who don't wanna try to make up dreams just to be seen? I wanna lay here beside you. Yeah.
यहाँ पे ना अभी हम मम्मी के साथ में बच्चों के कुछ अच्छे से फोटोज लेने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि महविश को पता नहीं कैमरा देख के क्या हो रहा था, वो फोटोज क्लिक करने ही नहीं दे रही थी। अब 10 में से ना शायद ही कोई एक फोटो इसकी अच्छी आई होंगी, हमारी पूरी गैलरी फुल हो गई, बट इसका कोई एक अच्छा फोटो नहीं आया। तो ये ना अभी दोनों इतना परेशान कर रहे हैं ना, जब से मम्मी और भाई आए हुए हैं ना, इन दोनों के नखरे ही जरा बढ़ गए हैं। तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सही कहते हैं कि जब ना बच्चों को कोई वसीले दिखाई देते, जब बच्चों का ना कोई साइड लेने वाला होता है ना, तो बच्चे ना ज्यादा नखरे करते, थोड़ा इतराते ज्यादा है। तो इन दोनों ने अभी मुझे इतना परेशान कर रखा है ना, मैं घर में इन दोनों को, ये जब दोनों अकेले रहते हैं ना तो बिल्कुल परेशान नहीं करते, बट जब से मम्मी और भाई आए ना, इन दोनों को संभाल के मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना। खैर यहाँ पे ना 2-3 घंटे बिताने के बाद में अभी हमारा ना घर जाने का टाइम हो गया है। तो जिस डोर से हम लोग आए थे ना, उसी डोर से हम वापस जा रहे थे, बट वहां पे जो सिक्योरिटी होती है ना, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये डोर बंद हो गया है, आप लोगों को अब पीछे की साइड से जाना होगा। तो फिर अब हम पीछे की साइड से जा रहे हैं, और यहाँ पे ना इतने प्यारे फूल, इतने प्यारे कलर्स के लगे हुए ना, मुझे ये कलर्स ना फूलों के बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि ओमान में ना गर्मी इतनी हाई लेवल की होती है ना, मतलब आप घर में नहीं बैठ सकते बिना एसी के। मैंने सिर्फ एक प्लांट लिया है, रियल प्लांट अपने घर में, मैंने मनी प्लांट लिया है, मैं उसी को बड़ी मुश्किल से ग्रो कर पा रही हूँ, और ये लोग इतनी धूप में भी इन फ्लावर्स को, इतने प्यारे कलर्स, और इनको इतना अच्छे से मेंटेन रखते हैं ना, मुझे बड़ी हैरानी लगती है। तो बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें मुझे। सो बस अभी हमारा घर जाने का टाइम हो गया है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. जी अभी वापस आने के बाद में मैं करूंगी लंच की तैयारी, और लंच में ना सिंपल मैं अभी बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि वापस आते हुए इतनी ज्यादा देर हो गई है ना कि कोई भी टाइम टेकिंग वाला खाना मैं नहीं बना सकती थी। तो अभी मैं सिर्फ आटा लगा रही हूँ, और आलूओं को बॉईल करके ना चटनी मैंने बना ली है। चटनी की कोई रेसिपी मैंने शूट नहीं की, बिकॉज मैंने सिर्फ आलू के अंदर ना हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और अजवाइन वगैरह डाल के तो ना थोड़ा सा मैंने पका लिया था। मैं ना आलू की चटनी पका के बनाती हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मैं पहले जब पराठे बनाती थी ना, तो मेरे पराठे फट जाया करते थे और पूरी चटनी पेलते हुए ना बाहर आ जाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, कि जो मैं चटनी बनाती हूँ ना, उसे मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ, जिससे ना उसका जो आलूओं में जो मॉइस्चर होता है ना, वो थोड़ा खत्म हो जाता है। और ऐसे पकी हुई चटनी का जब भी आप पराठा बनाओगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, चाहे आप जैसा भी लाट ले। तो मैंने जो आलू की चटनी थी ना, उसके भी एक साइज के बॉल्स बना लिए थे, और साथ ही ना पराठों के लिए भी बॉल्स बना लिए, ताकि ना इनके पराठे मैं फटाफट ही बना पाऊँ। तो इससे ना पराठा बनाने में ना बहुत आसानी हो जाती है, बस आपने थोड़ा सा रोटी को बेलना है, और उसके बाद बॉल लगा लगा के आपने दोबारा से बेलना है। तो इससे ना बहुत झटपट ही पराठे बन जाते हैं। तो अभी जल्दी से पराठे बना लेती हूँ, और इन पराठों को ना हल्का हल्का सा मैं दोनों साइड से पहले जो सेक लूंगी, और उसके बाद में मैं ऑयल लगाऊंगी। अगर पहले ऑयल लगा दो ना, तो पराठे का जो लुक है ना, वो इतना मज़े का नहीं आता। तो थोड़ा सा ना इसके ऊपर डॉट डॉट जब आ जाएंगे ना, तब इसके ऊपर मैं ऑयल डाल के इसे फ्राई करूंगी। अच्छा जी, जो सारे पराठे हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं, और अभी ना हम लंच करेंगे। यहाँ पे मेरी हेल्प करवाने के लिए महविश भी आई हुई है, और इसको जरा देख ले आप, इसको ना दिन में से 2-3 बार ना मम्मी ऑयल की चंपी कर देते हैं, उन्हें लगता है ना कि मैं इसको सर में ऑयल ही नहीं लगाती। तो पराठे मेरे रेडी हो गए हैं, इन्हें मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। इतने जल्दी जल्दी में मैंने पराठे बनाए हैं, बट एक भी पराठा फटा नहीं है। तो इसकी ना इंशाल्लाह मैं डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी किसी और वीडियोस में, कि आप कैसे ना बिना फटने वाले आलू के पराठे बना सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
yesterday there was sun and there was rain.